हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा सीपीयू के बारे में। जो सीपीयू में एसएमपीएस होता है, अगर ख़राब हो गया हो या अगर किसी प्रॉब्लम्स पर लाइट नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे कि कैसे लाइट जाए एसएमपीएस के थ्रू, और हम कैसे आपको लगा के दिखाएंगे कि एसएमपीएस इसमें कैसे सीपीयू कसते हैं, और हम पूरी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो एसएमपीएस में, अगर आपके पावर केबल लगाते हैं अगर आपका एसएमपीएस ऑन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे कि आपको ऑन होना शुरू हो जाए, तो चलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताता हूं। तो चलिए हम चलते हैं सीपीयू के तरफ। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर केबल लेंगे। देखिए यहाँ पावर केबल है, इस पावर केबल को हम लाइट से कनेक्ट करके हम इसमें देखिए आपको इसमें पहले लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे तो हम क्या करना है, इसमें हम लगा रहे हैं, ठीक है, हम इसमें लगा दिए हैं, देखिए लग गया है। अब हम इसको ऑन करेंगे, ठीक है, और ऑन करने के बाद ये आपका देखिए आप ऑन कर रहे हैं, इसको हम प्रेस कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, ऑन करें, ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब ऑन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसएमपीएस जो है एसएमपीएस को हम चेक करेंगे सही है कि नहीं, उसके बाद दूसरा चेंज करेंगे। और कैसे चेंज करेंगे चलिए हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो लाइट लगा हुआ है पावर केबल निकाल देते हैं। निकालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका स्विच दिखा रहा है, यहाँ पर आपका दिख रहा है यही पावर केबल का जो यहाँ पर केबल दिख रहा है 24 पिन है ये वाला, और एक आपका यहाँ पर जो दिखा रहा है ये वाला पिन है, यहाँ पर ये आपका पिन दिखाई दे रहा है, इसको हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं इसको, इसमें एक यहाँ पर प्रेस यहाँ पर दिया रहता है, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे एक बटन दिया है, यहाँ पे इसको हम दबाएंगे, दबाने के बाद निकालेंगे, तो हम इसको हम दबा के निकाल लेते हैं। देखिए आपका निकल गया है, आपका 4 पिन है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसी जो 24 पिन है इसको हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं, क्योंकि ये पावर केबल जो हैं ये जो आपके केबल दिखाई दे रहे हैं 24 पिन और 4 पिन, ये आपका सीपीयू का जो सीपीयू में जो आपका एसएमपीएस लगता है उसका है। तो हम इसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इसको हम खोल लेते हैं, ठीक। इसको इसमें 4 बोल्ट लगे रहते हैं, इसको चारों को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आसानी पूर्वक यहाँ से हम इसको यहाँ से थोड़ा सा हल्का खसका के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दबा के हल्का सा निकाल लेंगे। और देखिए मेरा ये जो आपका, अब इसको हम पहले चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद हम क्या करेंगे फिर इसको लगाएँगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अब चलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए तो हम इसको चेक करेंगे, और चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आपका, ठीक है, ये आपका जो पावर केबल है इसमें हम लगा लेंगे। पावर केबल देखिए इसमें आपको लगा रहे हैं, ठीक है, देखिए इसमें लाइट आ गई है। और हम क्या करेंगे, इसमें जो है यहाँ पर देखिएगा वो फैन है, अगर चलेगा तो ये सही है, अगर ख़राब है तो नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें आता है एक हरा पिन, देखिए यहाँ पर देखिए एक लिखा है, यहाँ पर यह है एक हरा पिन और ये है आपका ब्लैक पिन, एक काला पिन है और एक हरा पिन है। इसको हम क्या करेंगे, पिन एक लेंगे या कोई वायर लेंगे, वायर लेने के बाद दोनों को हम क्या करेंगे, इसमें हम आपका क्या करेंगे, इसमें चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद इसे जब डालेंगे तो देखिए अगर इसमें चलता है आपका, देखिए फैन चल रहा है, फैन चलने लगा, और हटा लेते हैं तो देखिए बंद हो गया। अभी देखिएगा फिर से जब उसमें शॉर्ट कराएँगे, शॉर्ट करा रहे हैं हम, फिर से देखिएगा चलने लगेगा, देखिए चल रहा है, तो इसका मतलब कि एसएमपीएस सही है। अगर एसएमपीएस सही रहता है तो हम क्या करेंगे, पावर केबल एक बार चेंज कर लेंगे। अगर पावर केबल, ये जो पावर केबल आपके हैं ये वाले, ये पावर केबल आपका, पावर केबल आपका चेंज करेंगे। अगर पावर केबल चेंज करने के बाद अगर नहीं लाइट आई इसमें आता है आपका एसएमपीएस में आता है, तब हम एसएमपीएस को फिर से चेक करेंगे।
लेकिन अगर लाइट आ गया तब तो पावर केबल चेंज कर लेंगे। अगर इसमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे, SMPS आपका एक नया लेंगे और उसको हम दूसरा लगाएंगे। तो चलिए हम एक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम पहले इसमें कस लेते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छे से बैठा इसको बैठा लीजिएगा, जहाँ जहाँ स्क्रू ड्राइवर लगाना हो उसको लगा दीजिएगा। SMPS में 4 स्क्रू लगते हैं, नॉर्मल स्क्रू हैं। देखिए आपके स्क्रू लग गए। अब हम क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर केबल दिया है, यहाँ पर केबल है आपके, देखिए जो 24 पिन है, एक इसमें जो 24 पिन है, ये आपका 24 पिन होता है, उसको हम कहाँ लगाएंगे इसको बता देते हैं, और ये 4 पिन है इसको कहाँ लगाएंगे, और ये जो आपके 2 केबल बचते हैं इसको भी हम ही अभी बताएंगे कि कहाँ पर लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 24 पिन है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिन है, यहाँ पर एक ये लॉक है, इसको लॉक बोलते हैं। ये लॉक की तरफ जो आपका यहाँ पर पिन जो दिखाई दे रहा है, ये 24 पिन ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए इस साइड में एक लॉक है, छोटा सा लॉक है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको हम क्या करेंगे, जो ये लॉक है उसी के साइड हम क्या करेंगे इसको लेंगे, और लेने के बाद 24 पिन खूब बढ़िया से इसको अच्छे से यहाँ पर देखिए अच्छे से इसमें डालेंगे, और डालने के बाद इसको हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे ताकि आपका जो पिन था वो आपका बैठ जाए। अब देखिए 4 पिन है, ठीक है, ये 4 पिन, इस 4 पिन को हम क्या करेंगे, इधर देखिए लॉक है, अब इस लॉक की तरफ हम क्या करेंगे इसको हम लगाएंगे, और इसको भी लगा के थोड़ा सा हल्का सा दबा देंगे, और देखिए दबा दिए और थोड़ा सा आवाज़ करके बैठ जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, चलिए आपको हम चेक करते हैं कि इसमें लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। तो हम सबसे पहले एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, पावर केबल लगाते हैं, ठीक है, पावर केबल लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, इसको हम ऑन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका स्विच है ये, इसको हम एक बार दबाएंगे, और दबाने के बाद देखिए आपका, देखिए बस दबा रहे हैं, देखिए फ़ैन चलने लगेगा, देखिए फ़ैन चलने लगा, हमारा SMPS अब चेंज भी हो चुका है, और पता चल गया हाँ हमारे SMPS से लाइट नहीं आ रही थी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, SMPS में ध्यान देते हैं, SMPS को निकालते हैं, उसको चेक करते हैं, अगर लाइट आ रही है ठीक है, नहीं आ रही है तो हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। अब हम बताते हैं वो हार्ड डिस्क, ये जो आपको बताएं ये केबल जो है, ठीक है, हम इसको बंद कर लेते हैं। ये केबल जो है आपके जो दिखाई देते हैं, ये हार्ड डिस्क लगाने के काम आते हैं। तो हम चलिए देखते हैं हार्ड डिस्क कहाँ लगते हैं। देखिए यहाँ पर आपके हार्ड डिस्क है, ये आपका हार्ड डिस्क है, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें जो केबल एक दिया है, ये केबल जो है हम इसमें क्या करें, इसको हम लगा देंगे, इसमें आपका जो हार्ड डिस्क इसमें पिन आपका बैठा देंगे, ठीक है। बैठाने के बाद क्या करेंगे, एक मिलता है साटा केबल, ये आपके साटा केबल है, ये आपके साटा केबल है, साटा केबल, इसको हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क को लगाने के बाद साटा केबल को हम क्या करेंगे, एक साटा केबल इसमें, ये यहाँ पर जो पिन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कई सारे पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कई सारे पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ ये पोर्ट है, इस पोर्ट पे हम क्या करेंगे इसको हम बैठा देंगे। तो देखिए हम इसे बैठा रहे हैं, इसको जिस हिसाब से बैठे उस हिसाब बैठा देंगे। बैठाने के बाद एक पोर्शन तो लग गया और एक पोर्शन बाकी है, हम इसको क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ये इस हार्ड डिस्क में लगाएंगे, इसको हम क्या करें, देखिए हार्ड डिस्क जो पोर्ट लगाएं इसके नीचे, देखिए यहाँ पर नीचे आपको देख रहे हैं, आप दिखाई दे रहा है, इसमें हम क्या करेंगे इसको हम लगा देंगे। देखिए हम इसको लगा दे रहे हैं, ये आपका इसमें लग गया और ये आपका हार्ड डिस्क भी पूरा हो गया, और ये हार्ड डिस्क मतलब हार्ड डिस्क आपका लग गया, ठीक है। अब आपका इसमें ऑन करेंगे, और ये पोर्ट जो बचते हैं हार्ड डिस्क वाले, इसमें हम चाहें तो एक और हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, या SSD लगवा सकते हैं। तो मतलब एक आपका कम से कम 2 इसमें हार्ड डिस्क लगवा सकते हैं, इसलिए अगर एक केबल ख़राब होता है, एक केबल इसको भी हम लगा के देख सकते हैं।